ईशान बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टरोलॉजी चैनल। सो गाइस, आज की मार्केट भी बहुत ज्यादा अच्छी रही थी। हम लोगों ने देखा था एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी एंड उसके बाद एक कंटिन्यूस रैली ऊपर की तरफ देखने को मिली थी। लास्ट आर में हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बट अगर आपको पता होगा तो ऊपर लेवल पे ना कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर लेवल पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, उसके बाद ही हम लोगों ने एक नीचे सेलिंग प्रेशर देखा था। अब यहाँ पे आज के मार्केट में हम लोगों ने कोई स्टॉक्स लिए थे ऐसा इंट्राडे ट्रेड, शोभा लिया था, HCL टेक लिया था, दोनों बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा BTST ट्रेड भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया था। सो अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं गाइस। आज का दिन भी पूरा का पूरा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा था। हम लोगों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में जो भी ट्रेड लिए थे आज हम लोगों ने उन सब पे प्रॉफिट बुकिंग करी थी, और आज के ट्रेडिंग सेशन पे भी हम लोगों ने बहुत ट्रेड्स लिए थे। सो मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा एंड ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं सीधा अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेटअप पे किस तरीके से काम करना है, क्योंकि कल है वेडनेसडे, एक दिन पहले एक्सपायरी के किस तरीके से काम होगा, क्योंकि कल शायद सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी हो सकती है क्योंकि मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले का ट्रेड होगा ये। सो कल हमें ऑब्जर्व करना है क्या होने वाला, और अब पहली टाइम मुझे थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है FII के डाटा में, वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलते हैं अपने वीडियो पे। हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं एंड सबसे पहला स्टॉक है अंबर। अंबर पे अगर आप लोग चेक करोगे तो एक सिंपल हम लोगों को एक अपमूव देखने को मिल रही है ना कंटिन्यूस बेसिस। अगर आप चेक करोगे तो अपने बॉटम से ये हायर राइज एंड हायर लोज मेंटेन कर रहा है। अब हुआ क्या, जब एक रैली देता है, एक रैली देने के बाद ये थोड़े टाइम कंसोलिडेट करता है, लोअर लोज बनाता है, लोअर हाइज बनाता है एंड फिर एक ब्रेकआउट देता है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिली, एक अच्छी मूवमेंट आई, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा था, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ रीटेस्ट, अब दोबारा ऊपर गया। अब यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो हम उसी लेवल के ऊपर ही से बाय करने की कोशिश करेंगे। अभी करंट प्राइस 3468 रुपीज का, बट अगर आप चेक करोगे आफ्टर मूविंग अ बिट, पहले आप रैली चेक करना। देखिए, हर स्टॉक को हम पहले आइडेंटिफाई करा लेते हैं कि ये डबल टॉप बनेगा या फिर एक ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप इसकी रैली चेक करोगे तो साइकोलॉजी के बेसिस पे ये देख सकते हैं, एक बड़ी अपमूव आई, बहुत टाइम कंसोलिडेट करते रहे और हल्के हल्के ऊपर गया है, मतलब इसके बाद कोई एक तमीज की ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिली है, जब वो ब्रेकआउट कैंडल थी बस हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने एक दोबारा कैंडल का डाउनफॉल देखा। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बायर्स हल्के हल्के एंटर हो रहे हैं बट सेलर्स भी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि सेलर्स एग्जिट हो गए होंगे, बट मेरे माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर सेलर्स और ज्यादा एंट्री पोजीशंस भी बना सकते हैं। सो करना क्या है, यहाँ पर आप देखोगे अभी डबल टॉप टाइप ऑफ सिनेरियो है, तो लेट मी ओपन अ वन आवर टाइम फ्रेम एंड वन आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल डेफिनेटली स्टॉक फेस कर सकता है, एज अ डबल टॉप सिचुएशन ये फेस कर सकता है। एक बार RSI चेक करें, शायद डाइवर्जेंस देखने को ना मिल जाए। ओके, सो डाइवर्जेंस कुछ खास नहीं है, मतलब ये डाइवर्जेंस तो है नेगेटिव डाइवर्जेंस, बट यहाँ पर ट्रेडेबल है, ये हम ट्रेड कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर ये ब्रेकआउट देता है 3500 के ऊपर निकलता है तो हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं, बट दूसरी चीज याद रखनी है कि अभी करंट प्राइस से 30 रुपीज ऊपर जाके हमें बाय करना है, तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा डीप हो जाएगा। सो हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक को पेशेंसली वेट करते हैं, एक बार इसे नीचे आने दो। नीचे आने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ये रहा मेरा बॉटम, ये रहा मेरा टॉप। हम लोग देखते हैं अगर ये 3360 के आसपास या 3330 के आसपास आता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो एक बार बाइंग के और अच्छे मौके हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी चीज हमें कब एक्चुअल में बाय करनी है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर लाइव बता दूंगा एंड उसी समय आप लोग बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसे आप अपनी वॉचलिस्ट के अंदर डेफिनेटली ऐड कर लो। अगर कल ब्रेकआउट देता है तो ऐसा इंट्राडे ट्रेड हम लोग एक छोटा सा ट्रेड बना सकते हैं 20-30 पॉइंट्स का, बट हमें उसी टाइम में एग्जिट भी कर लेना होगा। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, मेरा दूसरा स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर में भी एक सिंपल तरीके का हम लोगों को यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है, कंटिन्यूस हायर राइज एंड हायर लोज है, एक अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो थोड़े टाइम से इसने टॉप पे सितंबर के महीने से ये कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे आ रहा है। इसका फॉल बहुत तेजी से होता है बट उस जो पुल बैक देता है ना वो बहुत हल्के हल्के देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा कि ये देख सकते हैं एक फॉल आया, बहुत तेजी से आया, हल्का हल्का कंसोलिडेट करता है, मतलब एक रेंज बना लेता है एंड फिर एक ब्रेकडाउन बहुत तेजी से आता है,
फिर ऊपर कंसोलिडेट करता है और फिर एक ब्रेकडाउन आता है, अब दोबारा ये कंसोलिडेट कर रहा है। सो यहां पर अब जिस तरीके से मैं इसको प्रेजेंट करूंगा, जो पहले कंसोलिडेशन होते थे वो तमीज से नहीं होते थे, अब यहां पर ये अच्छे तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, एक बेस क्रिएट करा है इसने। तो देर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, देर इज अ स्लाइटली पॉसिबिलिटी कि यहां पर अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी रैली दे सकता है, अदरवाइज एक दोबारा नीचे की तरफ ही मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए होता क्या है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये एक रेंज बनती है, रेंज का ब्रेकआउट होता है, हम लोग सीधा बाय कर लेते हैं, हम पीछे की सिक्योरिटी की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम समझते नहीं है कि ये जो डाउनफॉल आया और एक रेंज बनाई, फिर डाउनफॉल आया एक रेंज बनाई, तो ये पास्ट में अगर हुआ है तो डेफिनेटली दोबारा रिपीट हो सकता है, बट चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, एक कंसोलिडेशन अच्छा यहाँ पर बना है, ठीक है, तो हमें इसके ऊपर बाय करना होगा। सो लेट मी शो यू किस तरीके से करना है। अभी करंट प्राइस इज 937 रुपीज का, हमें 947 के ऊपर बाय करना है, 10 रुपये ऊपर बाय करना है, पर वहां पर भी 15 मिनट की क्लोजिंग हमें चाहिए होगी, 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी तो ऑलमोस्ट 950 के आसपास बंद होगा और हमारा जो टारगेट होगा दैट शुड बी अराउंड 970-975 रुपीज का। तो इस पर कुछ ज्यादा खास बड़ी रैली नहीं है, आप बस इतना याद रखना है अगर इसने ऊपर वाली जो लाइन है इसके ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी ऑन अ डेली बेसिस तो ये जो ट्रेंड चल रहा था वो एक अप ट्रेंड के थ्रू कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज एक दोबारा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करना, बट मैं आपको लाइव मार्केट पे बता दूंगा किस तरीके से ट्रेड लेना है। बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। सो मेरा लास्ट स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन पे अगर आप लोग चेक करोगे और एज अ मैंने BTSD ट्रेड भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया। अब आप लोगों को ना डेली टाइम फ्रेम कुछ खास पैटर्न्स या स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, बट जो मैं स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ ये वाला, इस पर मेरे को एक ब्रेकआउट दिखा है जिसकी वजह से मैंने आपको ये सजेस्ट करा है, जिसके बेसिस पे मैंने मॉयल दिया था एंड HCL टेक भी दिया था। सो लेट मी शो यू कि किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। सबसे पहले अगर आपको चेक करना होता है डेली टाइम फ्रेम पर मैं देख रहा हूँ ना कंटिन्यूस बेसिस एक अच्छी अपमूव है, हायर हाइज हायर लोस और एक लॉन्ग टर्म पोजिशन में बाइंग है। हमने बस एक चीज ऑब्जर्व करी है, जब भी अपने लो के बहुत पास आता है मतलब 61% तक गिरता है या 78% तक गिरता है तो एक रिवर्सल वहां पर देखने को मिलता है। सो मैं आपको एक बार शो करता हूँ, या फिर अपने लो से बिल्कुल नीचे जाता नहीं है जब तक एक पॉसिबल रिवर्सल ना आए। आप देख सकते हैं एक अपमूव आई, नीचे आया, इसको इग्नोर कर सकते हैं, दोबारा अपमूव आई, इस लेवल से हम देख सकते हैं इसके नीचे नहीं गया, फिर दोबारा अपमूव आई, नीचे आया, अपने इस लेवल के नीचे नहीं गया, यहां से एक बड़ी अपमूव आई, दोबारा एक बार फॉल आया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नहीं गया एंड फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया। सो यहां पर हम एक चीज तो समझ रहे हैं कि ये 61% तक आता है, 78% तक आता है और एक पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिलता है। सो यहां पर मैं ऑब्जर्वेशन लेकर चल रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक की, यहाँ पर एक पॉसिबल रिवर्सल आ चुका है एंड यहाँ पर हम लोग एक बाइंग के मौके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने बाय का मौका आपको क्यों दिया, आप देख सकते हैं एक अपमूव आई, एक कंटिन्यूस फॉल आई है, ये कंटिन्यूस फॉल हमें देखने को मिली है, उसके बाद 61% पे इसने पॉज लिया। यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए, हमें बाय तभी करना चाहिए जब फिबोनाची के अकॉर्डिंग अपने जिस रेशियो पे वो रुकता है, जिस रिट्रेसमेंट पे रुकता है उसके ऊपर वाले रिट्रेसमेंट पे जाके क्लोजिंग देखने को मिले और एग्जैक्टली उसी के ऊपर जाके क्लोजिंग देखने को मिली है। सो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट नीचे एक 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं एंड दिस इज आवर टारगेट, और एग्जैक्टली ये टारगेट भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा। तो गाइस ये थे हमारे स्टॉक जो मैं आप लोगों को देने वाला था। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, कुछ ज्यादा खास नहीं है, ओपन इंटरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा खास है और FII के डाटा के अंदर सबसे ज्यादा खास है। तो एक बार चलते हैं चार्ट्स की तरफ और फिर देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा। तो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ तो हमारी एक डिस्कशन हुई थी लास्ट टू लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं ट्रेड करूँ जो भी 30,000 के अंदर अंदर और आप वो भी खुद ट्रेड ले पाए, मतलब आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाए, अगर आपके पास 10,000 है और मैंने 30,000 में दो ट्रेड लिए हैं तो आप 10,000 में 5,000 में भी वो दो ट्रेड लेकर चल सकते हो, मतलब ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप भी उस पर बाय कर सको और आप भी सिर्फ 500 रुपये से बाय कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए एक क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करना पड़ेगा और वो एक्चुअल में क्राइटेरिया उसका मैं भी चेंज नहीं कर सकता। अगर आपके पास ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है तो डेफिनेटली आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो ऐप के अंदर आपको जाना होगा वो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास दूसरे कोई ब्रोकर्स का अकाउंट है तो आप अभी जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दोनों के लिंक मैंने डाल दिए हैं। आपको मुश्किल से आधा घंटे का समय लगेगा और आपके दोनों अकाउंट ओपन हो जाएंगे, किसी भी एक अकाउंट में करा सकते हो, मेरी प्रायोरिटी होगी अगर आप एंजल ब्रोकिंग में करवाओ अगर आपके पास फंड्स
कम है। अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो जीरोधा पे भी आप करवा सकते हो, जाके करवा सकते हो। थर्सडे या फ्राइडे तक हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आते हैं दोबारा निफ्टी के अंदर, यहाँ पर हुआ क्या। सबसे पहले तो हम लोग एक ऊपर टॉप की एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं एंड ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो हम लोग आने वाले टाइम पे फेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये एक बहुत बड़ी कैंडल थी, तो डेफिनेटली हमें चाहिए था कि यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। शुरुआत के 15 मिनट तक हम लोगों को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला शुरुआत के टाइम पर, बट एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट ये सक्सेसफुल कैसे हो सकता था, लेट मी शो यू। ये देख सकते हैं, एक कंसोलिडेशन है, नीचे से रिजेक्शन आई, एक बुलिश कैंडल थी, एक इनसाइड कैंडल बुलिश कैंडल के अंदर बनी है, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट अच्छा आया एंड कंटिन्यूस एक अपमूव देखने को मिली। अब यहाँ पे जो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये प्रीवियस जो है ये लेवल, जिस लेवल पे इसने गैप दिया था, इस गैप तक ये जा सकता था। बट हुआ क्या, हम लोग पेशेंसली वेट करते रहे कि ये इस गैप तक जाएगा जाएगा, बट हम लोगों अगर पीछे की तरफ ऑब्जर्व करें तो पीछे भी एक रेजिस्टेंस है जो ये फेस कर सकता था। लेट मी शो यू, अगर हम इसको रिमूव करें, मतलब इस लेवल पे आए, सी दिस, ये एक लेवल था जहां पर ये पॉसिबल रिवर्सल ले सकता था। सो हमारे हिसाब से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था लेवल, हमारे हिसाब से ये लेवल इंपॉर्टेंट था और इसके बाद जो लेवल इंपॉर्टेंट था दैट शुड बी दिस लेवल। ये होती है थोड़ी बहुत बेसिक साइकोलॉजी। तो हम लोगों ने देखा कि ये मल्टीपल सपोर्ट्स थे, फाइनली सपोर्ट गैप डाउन के साथ ब्रेक डाउन दिया, ऊपर गया, इसी लेवल पे मेजर रेजिस्टेंस फेस करा है, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट करा। अब यहाँ पर अभी हमको एक चीज पता चल चुकी है कि यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब करना क्या है, हमें देखना है कि ये मेरा बॉटम है, ये मेरा टॉप है। मैं मान के चल सकता हूँ कि ये फॉल करना चाहे तो मैक्स टू मैक्स फॉल जो करेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस वो यहाँ तक कर सकता है, जो कि 16,600 है। मतलब अभी भी ऑलमोस्ट 160 पॉइंट की गिरावट कर सकता है निफ्टी। मैं अभी भी इसको ट्रेड ऑन अ डाउन साइड ट्रेड कर लूंगा, बट उसके बाद मैं एक बार रुक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉल आ रहे हैं हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बार शायद पेशेंसली वेट करे, हायर लो बनाए और अब ऊपर जाके ब्रेकआउट दे सकता है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये मेरा प्रीवियस विंग हाई था, ये मेरा टॉप है, ये मेरा बॉटम है, एग्जैक्टली 61% के आसपास आया और वहां पर दोबारा सेलिंग आई, तो यहाँ पर हम ये चीज भी ऑब्जर्व करके रख सकते हैं। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का है कि यहाँ पर हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं करना करेंट इस लेवल्स पे। कल हम लोग एक बार चेक करेंगे ना वन मिनट टाइम फ्रेम कि कल कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना सेल साइड और बाय साइड हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। रीजन क्या है इसका कि अपने मिड पॉइंट पे है इस रेंज से, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, सो हमारे मिड पॉइंट पे है। अगर कोई भी डायरेक्शन हमें मिलती है तो एक अच्छा टारगेट हमें 100 पॉइंट का मिल सकता है, तो वो कल आप लोगों को लाइव मार्केट पे मिल सकता है, सो वहां पर आप बने रहिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो था। लेट मी शो यू, बैंक निफ्टी के अंदर सिनेरियो क्या था। सबसे पहले हमारे लिए जो ये वाला रेजिस्टेंस था, बट निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था, बैंक निफ्टी ने नहीं करा था, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था एक फॉल आया, इस लेवल पे एक बेस क्रिएट करा था, यही बेस के ऊपर हमें बाय भी करना था, हमारा डिस्कशन था, तो ऊपर गया, इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको सेलिंग का बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे चले जाता है और 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज कर देती है, डेफिनेटली शॉर्ट है, हम अपना टारगेट मेंटेन कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ दिस लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे पता कैसे चला कि इसी लेवल पे हमें शॉर्ट करके चलना है, लेट मी शो यू। सबसे पहले तो ये मेरा हाई है और ये मेरा लो है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर देख सकते हैं 50% पे जैसे ही आया कंसोलिडेट करने लग गया, ये देख रहे हैं मल्टीपल कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली है, एक राउंडिंग टॉप देखने को मिल रहा है एंड फाइनली एक हमें डाउनफॉल आना स्टार्ट होने को देखने को मिल रहा है। ये हम लोगों ने पहले ही आपको हमने टेलीग्राम चैनल भी बता दिया। अब यहाँ पर डिसीजन हमारा यही है कि फॉल आएगा तो हम एक बार शॉर्ट बनाएंगे, लॉन्ग साइड की तरफ अभी नहीं जाएंगे, लाइव हमारे लिए बाय है, हम एक छोटा सा रिस्क लेकर बाय करेंगे, बट हम लोग ज्यादा हेवी पोजीशंस होल्ड करके नहीं रखेंगे, ठीक है। एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखाता हूँ एंड उसके बाद स्टार्ट खत्म एंड करते हैं हम लोग। सो ओपन इंटरेस्ट का डाटा हम लोगों ने ओपन कर लिया है एंड क्लियरली यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि हाईएस्ट पुट राइटिंग है 16,500 एंड 16,700 पे। बहुत सारे जितने भी कॉल राइटर्स थे वो लोग एग्जिट करना स्टार्ट कर गए, पुट राइटर्स भी 17,000 से एग्जिट करे, तो यानी कि इतना तो हमें पता ही है कि 17,000 तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, वहां पर तो एक मेजर रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस है
और 16,600 लेवल भी ब्रेक डाउन नहीं होने वाला जिस तरीके से यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर कल इसी लेवल पे खुलता हो या थोड़ा सा ऊपर जाता है तो 16,500 के पुट राइटर्स आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, बिकॉज थर्सडे होगा तो वो इतनी दूर का होल्ड करके नहीं बैठेंगे, वो आगे और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर हम लोग और हिस्टोरिकल डाटा अगर चेक करें तो यहाँ पर हमें क्लियर देखने को मिल रहा है 17,000 इट्स अ मेजर रेजिस्टेंस और 16,700 इज अ मेजर सपोर्ट, सो हम इसी के बीच में कंसोलिडेट कर सकते हैं। अब एक बार बैंक निफ्टी को चेक करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों को क्लियर बेसिस पे जिस तरीके से देखने को मिला कि 34,500 पे हैवी पुट राइटर्स एक्टिव हैं और 35,000 के अंदर हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव हैं और एग्जैक्टली मिड उसके रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो हम लोग इस रेंज के अंदर पूरे टाइम कंसोलिडेट कर सकते हैं, 500 रुपये के रेंज के अंदर हम लोग कंसोलिडेट करके रख सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर हिस्टोरिकल डाटा अगर इसका देखा जाए, ठीक है, यस, तो हिस्टोरिकल डाटा में सॉरी एट दिस लेवल 34,000 के अंदर हैवी 34,000 के अंदर हैवी पुट राइटर्स एक्टिव हैं एंड 35,000 के अंदर हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव अभी हुए हैं, पोजीशंस ऐड अप हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सो मेरे हिसाब से कल अगर डिप आती है तो वी कैन बाय ऑन डिप्स और मुझे लगता है नीचे कहीं सपोर्ट इसे मिल सकता है। अब एक बार अगर हम लोग FII का डाटा चेक करते हैं, सो FII के डाटा में उन लोगों ने कॉल बाय करी है 33,000, मतलब बुलिश है, कॉल उन्होंने बाय करी है, पुट उन्होंने शॉर्ट करी है, तो दैट मीन्स ऑन ओपन ऑप्शन साइड वो लोग बुलिश है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने 3,000 करोड़ की बाइंग भी कर रखी है। अब रिसेंटली अगर आप चेक करोगे तो उन्होंने कभी भी 1,000 करोड़ के ऊपर की बाइंग करी नहीं है FII फ्यूचर्स में, तो अब रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिला है और कॉल्स के अंदर भी हैवी पोजीशंस उन्होंने एड अप करी है। सो फ्रॉम माय साइड की यहाँ पर हमें लगता है कि दोबारा गैप अप देखने को मिल सकता है, बट अगर गैप अप भी नहीं आता तो एक रिकवरी आने के साथ बाइंग पोजीशन जरूर कल मार्केट में बनेगी। अब वो 12 बजे के बाद भी बन सकती है और वो मॉर्निंग में भी बन सकती है, वो एक बार जरूर बाइंग पोजीशन बनेगी। सो हमें उसी को कैप्चर करने के बारे में सोचना है और उसी समय हम लोग अपना ट्रेड लेंगे। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड डेफिनेटली अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। अगर आप लोग हमारे उस ऐप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डेफिनेटली गाइज आप ज़ीरोधा एंजल ब्रोकिंग के अंदर अपना अकाउंट अभी ओपन करवा लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर बहुत नॉलेजेबल कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करे जा रहे हैं, ऐसे फैक्ट शेयर करे जा रहे हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट।